हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, बॉलीवुड की भारी भरकम मूवी यानी कि फ्रेंड्स बड़े बजट में बनी दो मूवी यानी कि फ्रेंड्स शेरशाह और फ्रेंड्स भूज, जो कि फ्रेंड्स बॉक्स ऑफिस पे जो है ज़्यादा धमाल नहीं मचा पा रहे हैं। जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है फ्रेंड्स, उनका जो है पॉजिटिव रिव्यू नहीं आ रहा है, वो भी फ्रेंड्स शेरशाह और भूज मूवी को लेकर। वहीं फ्रेंड्स सलमान खान की भी जो है मोस्ट अवेटेड मूवी और फ्रेंड्स कम लागत में बनी हुई मूवी राधे, जो कि फ्रेंड्स इसी साल रिलीज हुआ था, वो भी OTT प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट जो है ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ था G5 स्टूडियो पे। वहीं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं भाई, सलमान खान ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था फ्रेंड्स OTT की दुनिया में, OTT के मार्केट में फ्रेंड्स, जिसका जो है अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। जी हां फ्रेंड्स, शेरशाह भी रिलीज हो गई जो कि 12 अगस्त को रिलीज हुआ था, और फ्रेंड्स 13 अगस्त को जो है भूज यानी कि फ्रेंड्स अजय देवगन और संजय दत्त जो है जिसमें लीड रोल में नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये मूवी जो फाइनली रिलीज हो गया है, जो कि फ्रेंड्स एक बड़े बजट की मूवी है। वहीं फ्रेंड्स ये दोनों मिलके भी जो है सलमान खान के राधे मूवी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी भी जो है राधे मूवी नंबर 1 पे बनी हुई है सबसे ज़्यादा व्यू हासिल करने में, सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने में फ्रेंड्स, वो भी OTT की दुनिया में। वहीं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं भाई, भूज और शेरशाह ये दोनों का जो फ्रेंड्स जितना कलेक्शन हुआ है अभी तक फ्रेंड्स, इतना जो है सलमान खान की इस मूवी ने जो है आधे दिन में ही कर लिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, जितनी जो इसको देखा गया था फ्रेंड्स, फर्स्ट डे का जो रिव्यू है फ्रेंड्स G5 स्टूडियो का राधे मूवी का, वो था फ्रेंड्स 1 लाख। 1 लाख बंदों ने जो उस दिन इस मूवी को देखा भी, G5 का सब्सक्रिप्शन भी लिया और G5 को डाउनलोड भी किया। बट फ्रेंड्स जो इन दोनों मूवी का जो व्यू है यानी कि शेरशाह और भूज का फ्रेंड्स, ये दोनों मिलकर भी जो है इनके व्यू ने जो है सलमान खान के राधे मूवी के बराबर जो है बराबरी नहीं किया है। सो फ्रेंड्स इसे कहते हैं मेगा स्टार बॉलीवुड का पावर, जिसका जो फ्रेंड्स स्टारडम ही काफ़ी है एक मूवी को हिट बनाने के लिए। वहीं फ्रेंड्स सलमान खान जी की जो मूवी थी राधे, जो कि फ्रेंड्स 13 मई को ईद के मौके पर रिलीज हुई थी फ्रेंड्स, अभी तक जो है नंबर 1 के पोजीशन पे बनी हुई है। नंबर 1 का पोजीशन फ्रेंड्स इसको इसलिए कहा जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स OTT की दुनिया में अभी तक कोई सी मूवी ऐसी नहीं है जिसने जो है इतना ज़्यादा व्यू हासिल किया हो, वो भी एक दिन के अंदर, इतना ज़्यादा कलेक्शन हासिल किया हो, वो भी एक दिन के अंदर। अब फ्रेंड्स देखते हैं मार्केट में कौन सी वो मूवी आती है जो सलमान खान का ये रिकॉर्ड जो है ब्रेक कर पाती है, ये सलमान खान का जो रिकॉर्ड है इसको तोड़ पाती है। वहीं फ्रेंड्स बने रहना मेरे चैनल में फ्रेंड्स, पल पल की खबर आप तक पहुँचाता रहूँगा, और फ्रेंड्स सलमान खान से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो इस चैनल से छूटने वाला नहीं है, इस चैनल से मिस होने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और फ्रेंड्स ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज यार एक छोटा सा लाइक कर दिया करो। तो फ्रेंड्स मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। वहीं फ्रेंड्स आप किस मूवी, किस वेब सीरीज के बारे में अपडेट पाना चाहते हैं, किस मूवी के बारे में कलेक्शन का अपडेट पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो भी जो मेरे से कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।